नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम JBBNL इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पेपर 23 अगस्त को हुआ था। इस पेपर में दिए गए क्वेश्चन UPPCL, TG2, UPRVNL, टेक्निकल हेल्पर, टेस्टिंग असिस्टेंट जैसे टेक्निकल एग्ज़ाम के साथ साथ ITI के सेमेस्टर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सॉल्व हम वीडियो के अंत में डाले हैं, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है, जिसका राइट आंसर है हवा। हवा को एक प्रतिरोधक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा, जिसका राइट आंसर है 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका राइट आंसर है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, जिसका राइट आंसर है इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज वायर का मूल्यांकन के संदर्भ में किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर है एम्पियर के संदर्भ में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर का करंट लेता है, पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज होगा, जिसका राइट आंसर है 66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है, जिसका राइट आंसर होगा पावर संयोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, जिसका राइट आंसर है 0.4 ओम। अगला क्वेश्चन, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है, जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्युमिनियम कंडक्टर होता है, जिसका राइट आंसर है 50% होता है। अगला क्वेश्चन, एक नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का रेजिस्टेंस होगा, जिसका राइट आंसर है 3.3 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन संघट का एक मानक संकेत है, तो इसमें यह पूछा है कि इस फिगर में कैसा रेजिस्टेंस है या कैसा थर्मिस्टर है, तो जिसका राइट आंसर है लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात LDR। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक रियोस्टेट
का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियल मीटर से अलग है? जिसका राइट आंसर है इनमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट के किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणित योग के बराबर होता है। जिसका राइट आंसर है शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युतीय फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है। जिसका राइट आंसर है वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टेंसों वाला सर्किट बनाता है? जिसका राइट आंसर है वोल्टेज डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसका राइट आंसर है कॉपर के एक परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्ती डीसी में परिवर्तित बदल देता है? जिसका राइट आंसर है चापर। अगला क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में SCR अर्थात चिल्कान कंट्रोल रेक्टिफायर का विस्तार क्या है? जिसका राइट आंसर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक SCR में PN जंक्शन होते हैं? जिसका राइट आंसर है एक SCR में 3 PN जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है? जिसका राइट आंसर है एन चैनल MOSFET। अगला क्वेश्चन, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है एक फेज चार वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है स्क्रीन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है? जिसका राइट आंसर है सीबैक प्रभाव का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका का कार्य एक इंसुलेटर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चल लौह उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता जाना है तो क्वायल में मोटी तार के टर्न की अधिक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, एक अस्थायी चुंबक चल क्वायल उपकरण में विक्षेप तार के किसके सीधे समानुपाती होता है? जिसका राइट आंसर है वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, तार के टर्न की संख्या, क्वायल में से गुजरने वाला करंट, प्रभावी क्वायल क्षेत्र अर्थात ये सभी। अगला क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक गतिशील क्वायल उपकरण का स्केल क्या है? जिसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील क्वायल अस्थाई चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है? जिसका राइट आंसर है उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
यदि ध्रुवों की संख्या चार है और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से गुजरती हुई इलेक्ट्रिक डिग्रीज की संख्या क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है? जिसका राइट आंसर है प्रेरित ईएमएफ की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर में रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होते हैं। इसका राइट आंसर है एक अल्टरनेटर में डीसी आपूर्ति के लिए 2 स्लिप रिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर है यह एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है, जो कि एक अल्टरनेटर एसी सिर्फ ओनली एसी उत्पन्न करता है, न कि डीसी। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? जिसका राइट आंसर है रिलक्टेंस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वायरिंग आमतौर से के लिए प्रयुक्त की जाती है? जिसका राइट आंसर है स्टार्टिंग टार प्रदान करके और हंटिंग रोक करके, अर्थात ए और बी दोनों आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है? जिसका राइट आंसर है इसकी चाल वाइंडेड के और घर्षण के द्वारा सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर स्विंगलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए प्रयुक्त होती है? जिसका राइट आंसर है रिलक्टेंस मोटर स्विंगलिंग और टाइमिंग के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी मोटर में आर्मेचर कॉपर हानियां पूर्ण भार हानियों का लगभग कितना होता है? जिसका राइट आंसर है 30-40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक पद्धति है? जिसका राइट आंसर है वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक आर्मेचर बोल्टता की पद्धति है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटर को ढांकता हुआ के रूप में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम यौगिक है? जिसका राइट आंसर है बैरियम टाइनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर भी कहलाती है? जिसका राइट आंसर है डीसी शंट मोटर नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ और भी टर्मिनल वोल्टेज हो तो अधिकतम शक्ति की स्थिति होगी? जिसका राइट आंसर है E=V/2। अगला क्वेश्चन, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 350 आरपीएम और पूर्ण लोड पर चाल 1150 आरपीएम है तो इसकी वोल्टता नियमन क्या होगी? जिसका राइट आंसर है 17.39% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषता होती है? जिसका राइट आंसर है आयताकार अतिपरवलयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती है?
जिसका राइट आंसर है शंट मोटर। अगला क्वेश्चन, किसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रिएस्टेड नियंत्रण पद्धति में परिवर्तित प्रतिरोध होता है, जिसका राइट आंसर है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों अथवा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतया किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर है स्मूथ सिलेंड्रिकल प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, जिसका राइट आंसर है आर्मेचर के रिसाव प्रतिरोध और आर्मेचर के प्रक्रिया प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है, जिसमें राइट आंसर है कम्यूटेटर कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। अगला क्वेश्चन, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर है शेडिंग कुंडली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युतीय आपूर्ति पर चलती है, जिसका राइट आंसर है यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर के कोई ठीड या वायरिंग नहीं होती, जिसका राइट आंसर है हिस्टेरिसिस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की 1/7 दर चाल से चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहते हैं, जिसका राइट आंसर है क्रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर बनने किससे बना होता है, जिसका राइट आंसर है क्रोम स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर अर्थात इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होता है, जिसका राइट आंसर है मोटर में विकसित अनुकंपन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अर्थात ईएलसीबी में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त की जाती है, जिसका राइट आंसर है आर्द्रता युक्त वायु। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ में भार को रोक कितने तक सीमित किया जा सकता है, जिसका राइट आंसर है 3000 वाट तक सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुरक्षात्मक भू संपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका राइट आंसर है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, जिसका राइट आंसर है क्लू वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा, जिसका राइट आंसर है 6.4008 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल का अंकित प्रतिरोध क्या होगा, जिसका राइट आंसर 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणक क्या होगा, जिसका राइट आंसर है यूनिटी होगा। ACSR संवाहकों में स्टील का क्या कार्य है, जिसका राइट आंसर है अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप स्टेशन के विद्युतीय स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जिसका राइट आंसर है तेल के रिसाव में आग लगाना टालना, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकना, यार्ड की कार्य व्यवस्था सुधारना, लघु परिपथ त्रुटियों
के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाना, ये सभी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्री फेज दूरी का सुझाव दिया जाता है, जिसका राइट आंसर है 16 mm पर किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों के पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका राइट आंसर है स्ट्रेन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है, जिसका राइट आंसर है संट संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 किलो वोल्ट के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा, जिसका राइट आंसर है 4200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है, जिसका राइट आंसर है भू संपर्कन स्विच अर्थात अर्थिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटर उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है, जिसका राइट आंसर है पर्वतीय क्षेत्र, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर, भूमिगत स्टेशन, ऑफशोर अर्थात ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है, जिसका राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए वाय चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापन क्या होगा, जिसका राइट आंसर है डायपोल गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, जिसका राइट आंसर है टंटालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के भाग में स्थापित करता है, वह है, जिसका राइट आंसर है पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्मल एलाय का मुख्य भाग है, जिसका राइट आंसर है निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिसकी पारगम्यता इसमें मुख्य स्थान की तुलना में कम होती है, वह है, जिसका राइट आंसर है डाइमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है, जिसका राइट आंसर है टेनजेंट गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन, परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या है, जिसका राइट आंसर है रिलेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.25 कूलम का चार्ज वहन करता है तो उसकी धारिता क्षमता होगी, जिसका राइट आंसर है 0.024 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो धारिता तो समान धारिता मान होगा, जिसका राइट आंसर है 10 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाज नियम निम्न के लिए लागू होता है, जिसका राइट आंसर है फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए तार के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलयाकार कोशों के कारण अर्थात ये सभी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कैपेसिटर के समानांतर प्लेटों का अलगाव बट गया है तब इसकी धारिता, जिसका राइट आंसर है दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया जाता है
उससे लेकर ओवर करंट की व्यवधान डाला जाता है तब तक के समय की मात्रा है, जिसका राइट आंसर है अर्थिंग का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है, उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, उपभोक्ता का मांग कारक क्या होगा, जिसका राइट आंसर है 0.5 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट धारिता के कारण है, जिसका राइट आंसर है लाइन के विभव में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता के द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है, जिसका राइट आंसर है 90 डिग्री के द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित परिचलन के लिए टीजर परिमित्र को फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर है 0.866:1 फेरे के अनुपात की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला परिमित अर्थात थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीय लाइन वोल्टता होती है, जिसका राइट आंसर है 30 डिग्री लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा स्टार संयोजन में निम्न में से क्या लाभ है, जिसका राइट आंसर है द्वितीयक वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता, दीर्घ असंतुलित भार की संभावना संभालता है, तीन फेज चार तार वाले प्रणाली को प्रयुक्त करता है, प्राथमिक पक्ष अनुप्रयुक्त काट कम आवश्यक कर होता है, अर्थात ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्ण परीक्षण में एक परिणामित्र को द्वितीयक में स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज है, जिसका राइट आंसर है 0 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामित्र में उत्सर्जित का प्राथमिक कारण क्या है, जिसका राइट आंसर है तेल का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर है बैक टू बैक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामित्र में स्वास्त्री में प्रयुक्त रसायन होता है, जिसका राइट आंसर है सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामित्र में एक लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लौ हानि नगण्य होती है, क्योंकि प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। अगला क्वेश्चन, एक सजीव विद्युतीय अग्रि के लिए निम्न में से कौन सा अग्रिशासक उपयुक्त होता है, इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड अग्रिशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्विच है जो दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है, जिसका राइट आंसर है दोहरा ब्रेक स्विच अर्थात डबल सर्किट ब्रेकर। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम उनके सॉल्व वीडियो के अंत में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें दिया गया था वोल्टेज 250 वोल्ट और पावर जिसमें P1 दिया था 500 वाट है, P2 दिया था 200 वाट और R1 और R2 का रेशियो पूछा था। तो फार्मूला होता R=V²/R, तो V²/P होता है, तो R1 को निकालेंगे तो 125 आएगा और R2 निकालेंगे 312.5 ओम आएगा। तो R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे तो 2.5, जिसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी न्यूमेरिकल था, जिसमें रेजिस्टेंस का मान 33 दिया था और धारा का मान दिया था 2 एम्पियर और वोल्टेज पूछा था, तो V बराबर होता है IR, तो V =
35 × 2 जिसका राइट आंसर, जिसमें आंसर होगा 66 वोल्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल था, जिसमें आर दिया था 0.2 और अगर पूछा था कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो आर अर्थात प्रतिरोध क्या होगा। तो ये जानकारी के लिए जान लें कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबाई को इसी प्रकार लंबाई को दोगुना करने पर तो चालक का प्रतिरोध भी दोगुना होगा, अर्थात 0.2 × 2 जिसे 0.4 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसमें कलर कोडिंग पूछा था, इसमें नारंगी दिया था, नारंगी का फर्स्ट फिंगर 3 होता है और फिर नारंगी दिया था उसका भी फर्स्ट फिंगर 3 होता है, और ब्लैक दिया था जिसका फर्स्ट सेकेंड फिंगर 0 होता है, और ब्राउन दिया था जिसका मल्टीप्लायर होता है 10, और बैगनी जिसका टॉलरेंस कुछ नहीं होता। तो इसे सीधे सीधे जैसे लिखा गया वैसे लिखेंगे, और जिसका 3300 ओम आएगा इसको किलो में चेंज करेंगे तो 3.3 किलो ओम आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 भी न्यूमेरिकल था, जिसमें पूछा था फ्रीक्वेंसी, जिसमें पोलो की संख्या 4 दी गई थी, एनएसएस अर्थात सिंक्रोनस स्पीड 300 rpm दिया था। तो फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड अर्थात एनएस बराबर 120 f/p, तो एफ इज्क्वल टू हो जाएगा एनएस इंटू पी अपन 120। तो हमें एनएस दिया था 300 और पोलो की संख्या 4 दी गई थी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 hertz आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 न्यूमेरिकल था, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा था, जिसमें पोलो की संख्या 6 दी गई थी, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का फार्मूला होता है 360 × पोलो की संख्या अपान 2। तो 307 और पोलो की संख्या 6 है तो अपान 2 करेंगे, जिसको हल करने पर इलेक्ट्रिकल डिग्री आएगी 1080 degrees। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 था न्यूमेरिकल, जिसमें लोड रहित बिना लोड के 350 rpm पर मोटर चल रही थी, और लोड पर पूर्ण लोड पे 1150 rpm पर चल रही थी, तो परसेंटेज वोल्टेज नियामक पूछा था, जिसका फार्मूला होता है V0 अर्थात नो लोड वोल्टेज माइनस भी फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो जिसका राइट आंसर आएगा 17.39%। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 64 था, जिसमें SW3 SWG दिया था, तो 1 SWG बराबर होता है 2.13 mm। तो 3 SWG बराबर होगा 2.13 × 3 mm, तो 3 SWG इक्वल टू 3.40 mm होगा, जिसका राइट आंसर यही है। इसी प्रकार 83 दिया था, 83 में वोल्टेज दिया था 10 वोल्ट और कूलाम दिया था अर्थात चार्ज दिया था 0.24 कूलाम, जो आवेश है, तो सी अर्थात कैप धारिता सी बराबर क्यू अपान भी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.024 farad आएगा। इसी प्रकार 88 था, इसमें संपर्क लोड दिया था 3 किलो, अधिकतम मांग दिया था 1.5 kilowatt, और मांग कारक पूछा था, तो मांग कारक बराबर होता है अधिकतम मांग बटे संपर्क लोड। तो अधिकतम मांग मान हमें दिया था 1.5/3, तो किलो वाट से कट जाएगा, 10 mW आने के लिए 10 से गुणा किया गया, तो ये 15/30 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। तो दोस्तों, जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए थे वीडियो के लास्ट में बता दिया गया है। ऐसे ही टेक्निकल संबंधी क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें, और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए या फिर और कोई नोट्स चाहिए जो टेक्निकल संबंधित हो, आप हमारे अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और आपको प्रीवियस पेपर या PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो
मिलते हैं एक नए वीडियो में। पूरा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।